हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चुआर विद्रोह के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि चुआर विद्रोह क्या था, इसका कारण क्या था, इसका नामकरण चुआर विद्रोह क्यों हुआ, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, विद्रोह का विस्तार किन-किन क्षेत्रों में हुआ और इसके दमनकर्ता कौन थे। दोस्तों आइए शुरू करते हैं और जानते हैं चुआर विद्रोह के पीछे कारण क्या था। दोस्तों आपको बता दें कि किसी विद्रोह के शुरू होने के पीछे कई सारा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और तात्कालिक कारण होते हैं। तो आइए जानते हैं कि चुआर विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। दोस्तों आपको बता दें कि उस समय जब अंग्रेज यहाँ पर शासन करना शुरू किए तो उस समय अंग्रेजों ने लगान में काफ़ी वृद्धि कर दी, जिसके कारण लोगों के अंदर असंतोष पनपना शुरू हो गया था। इसके अलावा उस समय का अकाल भी इसका एक प्रमुख कारण बना। इसके अलावा आर्थिक मुद्दों को लेकर भी लोगों के अंदर असंतोष था। इसके अलावा शोषण से मुक्ति को लेकर भी लोग इकट्ठा होने लगे और अंग्रेजों के विरुद्ध चुआर विद्रोह की शुरुआत कर दिया। ये अब जानते हैं कि इसका नामकरण चुआर विद्रोह क्यों हुआ। दोस्तों आपको बता दें कि अंग्रेज अधिकारी जंगल महल के भूमिजों को चुआर कहकर पुकारते थे। चुआर अर्थात वहाँ के लोकल लोगों को नीच जाति या बंगाली भाषा में कहें तो एक गाली होता था, जिसको लेकर इन लोगों के अंदर काफ़ी असंतोष पनप गया था। दोस्तों आपको बता दें कि ये नामकरण इसी चुआर कहने के कारण हुआ था। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस विद्रोह में एक शब्द आता है पाइक और पाइकन। आइए जानते हैं यह क्या है और क्यों इस विद्रोह में यह शामिल हुआ था। दोस्तों आपको बता दें कि अधिकांश चुआर स्थानीय जमींदारों के यहाँ पाइक अर्थात सिपाही यानी गार्ड के रूप में काम किया करते थे और वेतन के बदले में उन्हें जमीन दी जाती थी और इस जमीन को कहा जाता था पाइकान। अंग्रेज शासकों ने यहाँ जब अपना शासन बढ़ाना शुरू किया तो इस पाइकान जमीन को उन लोगों से छीन कर अपने लोगों को अब पुलिस की व्यवस्था में शामिल कर लिया, अर्थात इस व्यवस्था को जमींदारी घटवाली व्यवस्था कहा गया। जमींदारी घटवाली व्यवस्था की बात करें तो दोस्तों कह सकते हैं कि पाइकी के बदले में पाइकान प्राप्त करना जमींदारी घटवाली व्यवस्था थी। दोस्तों आपको बता दें कि ये चुआर स्थानीय जमींदारों के यहाँ काम करते थे। इसके अलावा जंगल में पैदा होने वाली वस्तुओं को बेचकर गुजारा करते थे। उनमें से अधिकांश स्थानीय जमींदारों के यहाँ काम करते थे और वेतन के बदले उन्हें पाइकन जमीन मिलती थी। अंग्रेज शासकों ने इस पाइकन जमीन को छीनकर उनके स्थान पर पाइकों को हटाकर बाहर से लाकर अपनी पुलिस को उनकी जगह पर नियुक्त कर दिया। अतः अपनी जमीन, घर द्वार, जीविका का साधन छीने जाने के बाद इन पाइकों, सिपाहियों और किसानों की सम्मिलित शक्ति ने विद्रोह की वह आग लगा दी, जिसे बुझाना अंग्रेज शासकों के लिए बड़ा कठिन हो गया था। इसके अलावा अंग्रेज शासकों ने बेशुमार बढ़ाए गए राजस्व को चुकाने में असमर्थ हो गए जमींदारों के हाथ से जमीन छीन ली थी। जमीन खो चुके जमींदारों में से कुछ इस विद्रोह में शामिल हुए और यह विद्रोह अकाल, लगान में वृद्धि, जमीन की नीलामी एवं अन्य आर्थिक मुद्दों को लेकर शुरू हो गया। दोस्तों आइए अब जानते हैं कि इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड के आदिवासियों ने रघुनाथ महतो के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो आंदोलन प्रारंभ किया उसे ही चुआर विद्रोह कहते हैं। इसके अन्य प्रमुख नेता थे श्याम गंजम, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, लाल सिंह और मोहन सिंह। दोस्तों रघुनाथ महतो के अलावा जो अन्य नेता थे वो अलग अलग क्षेत्रों में अपने नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे और इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता थे रघुनाथ महतो। दोस्तों आपको बता दें कि इस विद्रोह को 1769 ईस्वी में रघुनाथ महतो ने ही शुरू किया था। तो आपको बता दें कि रघुनाथ महतो चुआर विद्रोह के प्रथम दौर के नेतृत्वकर्ता थे और 1778 ईस्वी में लोटा गांव के समीप एक सभा के दौरान अंग्रेज सैनिकों की गोलीबारी में वे मारे गए थे। आइए दोस्तों आप जानते हैं इस विद्रोह का विस्तार किन किन क्षेत्रों में हुआ था। दोस्तों इस विद्रोह के विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार मुख्य रूप से सिंहभूम, मानभूम, बड़ाभूम और पंचेत राज्य में था।
दोस्तों ये सारा क्षेत्र वर्तमान के झारखंड और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर वाले इलाके में था। दोस्तों आपको यह बता दें कि रघुनाथ महतो द्वारा लोगों में ऊर्जा भरने के लिए 1769 ईस्वी में एक नारा दिया गया था। यह नारा था, अपना गांव अपना राज्य, दूर भगाओ विदेशी राज्य। दोस्तों यह काफ़ी इम्पोर्टेंट नारा है, इसे आप इसे याद रखिएगा। ऐसे प्रश्नों को अक्सर पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। दोस्तों आइए अब जानते हैं इस विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे। दोस्तों आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट नान, कैप्टन फॉर्बिस और लेफ्टिनेंट गुडियार, ये तीन व्यक्ति थे जिन्हें इस क्षेत्र में विद्रोह को दमन के लिए भेजा गया था, और तीनों अलग अलग क्षेत्रों में विद्रोह का दमन करने के लिए कार्य कर रहे थे। विद्रोह की समाप्ति की बात करें तो दोस्तों विद्रोह के विस्तृत स्वरूप के आगे अंग्रेजों का दमन काम नहीं आया। अंग्रेजों को विवश होकर चुआर और पाइक सरदारों को उनसे छीनी गई जमीन वापस करना पड़ा, और राजस्व में छूट दिया गया, जमीन की नीलामी पर रोक लगा दी गई, और उनसे छीनी गई सारी व्यवस्थाओं को वापस करना पड़ा। इसके फलस्वरूप 6 मार्च 1800 को एक प्रस्ताव द्वारा जमींदारी घटवाली व्यवस्था, जो कि पुलिस व्यवस्था थी, वो पुनर्स्थापित कर दिया गया, और 13 दिसंबर 1805 को इस व्यवस्था को कंपनी सरकार के द्वारा स्वीकृति मिल गई, और इसके बाद कई सालों तक किसी भी तरह का कोई भी विद्रोह इस क्षेत्र में देखने को नहीं मिलता है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।